हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हे मुंबई तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ अमेज़ॉन ब्यूटी हॉल ये जो मेरे प्रोडक्ट्स है बहुत ही सर्च करके मैं रिसर्च करके मंगाती हूँ प्रोडक्ट कि हमारे स्किन के लिए हमारे हेयर के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकते हैं और अभी कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए तो उस हिसाब से मैं हर महीने प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैंने मंगाया है शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक अच्छा शैम्पू परचेज़ करूँ और मैंने काफ़ी रिसर्च किया मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो जाता है उसके वजह से मैंने ये बी ब्लंट का शैम्पू मंगाया मैंने काफ़ी रिव्यू सुना था इसके बारे में और मुझे सबसे पहले एक चीज़ चाहिए थी मुझे नो नो सल्फ़ेट चाहिए था जो हमारे बालों को डैमेज ना कर पाए और काफ़ी हेल्दी तरीके से हमारे बाल ग्रो हुए हमारे बालों को कुछ आ, केमिकल से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो तो ये बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू मंगाया है सीरियसली ड्राई हेयर तो ड्राई हेयर है आपके उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है हमें हमारे हेयर की भी मेन टाइम में मतलब जो आ, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोग कभी कभी उस पर नज़रअंदाज करते हैं और काफ़ी टाइम चला जाता है फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले ही ख्याल रखना चाहिए था तो उस हिसाब से मैंने ये बी ब्लैंड का मंगाया है अगर प्राइस पॉइंट ऑफ की बात करूँ तो इसका प्राइस आपको कुछ एक्चुअल प्राइस सिक्स का है पर इसमें आपको हमेशा अमेजन से परचेज़ करते हो तो हमेशा आपको डिस्काउंट देखने मिल जाएगा अगर ये प्रोडक्ट के लिंक चाहिए तो मैं इसका जो भी रहेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी और इसकी मैं बात करूँ तो ये आपको आता है फोर हंड्रेड एम में तो इस तरह की कुछ आपको बॉटल देखने मिल जाती है ब्लू कलर में इसमें आपको डिफरेंट वेरिएंट देखने मिल जाता है जिसमें एक रेड कलर की बॉटल है और एक वाइट कलर की बॉटल है जो एक है वो मतलब नॉर्मल हेयर के लिए है और एक है जो हमारे बाल कलर्ड रहते हैं उसके लिए वो शैम्पू रहता है तो इसके साथ आपको कंडीशनर मतलब अलग से परचे अगर आपको परचेज करना है सेम इसके ब्रांड का आपको कंडीशनर भी देखने मिल जाता है और सीरम भी देखने मिल जाता है अगर आपको वो भी परचेज़ करना है तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा पे. एक जो प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी वो है सिंपल का मॉइस्चराइजर इसके पहले मैंने एक मॉइस्चराइजर मंगाया था जो सेम और सिंपल का था आप देख सकते हो पर ये डिफरेंट वेरिएंट है मतलब ये लाइट मॉइस्चराइज़र है कभी कभी मुझे लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पसंद है जो मैंने इसके पहले मंगाया था वो रिच मॉइस्चराइज़र वो थोड़ा थिक था जिसे एब्जॉर्ब होने के लिए मतलब इससे एक मिनट ज़्यादा लगता था पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत जल्दी रहती है तो ये लाइट मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और प्लस इसमें यू और यू है एस पी है तो मुझे कुछ इस तरह का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी ये भी नो पैराबिन्स नो सल्फेट है और यूके का ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सिंपल के प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड होके रखे हैं तो अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत ही अच्छा है अगर आप ये लगाओगे आपको थोड़ा भी हैवी फील नहीं होता अब अगर आप मेकअप अग कर रहे हो उसके पहले हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज फेस को स्पेशली मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो होता है, तो अगर आपको चाहिए बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर बट बजट में तो आप ये वाला परचेस कर सकते हो इसमें भी अगेन मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था इसके एक्चुअल प्राइस फोर सिक्सटी है आ, पर यह डिस्काउंट में मुझे अराउंड थ्री सेवेंटी थ्री एटी रुपीज़ का मिला था तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए ऑफर था तो मैंने ये परचेस किया ये वन ट्वेंटी फाइव एम की प्रोडक्ट है तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे सबकी फेवरेट लिपस्टिक की ओर जो हर एक लड़की को पहनना पसंद का होता है तो ये है मैंने दो लिपस्टिक परचेज़ की है मैं कोशिश करते रहती हूँ कि मैं डिफ़रेंट ब्रांड्स की डिफरेंट लिपस्टिक ट्राई करूँ ताकि हमें भी अंदाज़ा आए कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और हम कंटिन्यू वो ब्रांड के साथ तो मतलब यूज़ कर पाए वो प्रोडक्ट तो सबसे पहले बात करूँ तो ये है लॉरियल का लॉरियल पेरिस सिग्नेचर लिपस्टिक तो ये काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छा ऑफ़र में मिला था ये इसकी एक्चुअल प्राइस अगर बात करूँ तो सिक्स नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है पर ये मुझे अराउंड फोर हंड्रेड रुपीज़ के आसपास मिली थी अमेजोन पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है कभी कभी डील ऑफ़ द डे भी रहता है तो बहुत अच्छे डिस्काउंट हमें उस पर देखने मिल जाते हैं ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट पर मिलेगा आप जाओगे तो फैशन कैटेगरी होम डेकोर ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज़ रहते हैं उस पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने मिल जाएंगे तो ये शेड की बात करूँ तो मैंने मंगाया वन ट्वेंटी सिक्स आई प्ले ये शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अभी रिसेंटली मैंने ये अभी जो अप्लाई किया है मेरे लिप्स पे वो मैंने ये वाला ही शेड अप्लाई किया है अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्ट की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा आप देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी अः मुझे काफी अच्छा लगा इसका जो आ, बॉटल uh, है तो अगर आपको ये परचेस करना आप ये भी परचेस कर सकते हो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के बाद काफ़ी स्मूद है मतलब ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद कुछ रफ़ और ड्राई हो जाता है लिप्स काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइजी लग रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका फॉमूला काफ़ी बढ़िया लगा और इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है आपके अकॉर्डिंगली आपके स्किन uh, टोन के ऊपर आपको जो भी अच्छा लगता है आप मंगा सकते हो तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा परचेसिंग था और स्पेशली डिस्काउंट काफ़ी अच्छा था नेक्स्ट बढ़ते जो मैंने सेकंड लिपस्टिक की बात की वो मैंने इनसाइड मैट लिपस्टिक ये काफ़ी आजकल ट्रेंड हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है ये हंड्रेड रुपीज़ के अंडर है और ब्रांड भी दे रहा है आपको तो इसलिए मुझे ट्राई करना था ये तो मैंने ये वाली लिपस्टिक ट्राई की अगर ये शेड की बात करूँ तो ये ऐसा वाइन कलर प्लम कलर का शेड है इसका आ, तो काफ़ी खूबसूरत है ये सभी स्किन टोन पे आराम से जाता है तो ये सिर्फ एट्टी रुपीज़ में मिली है मुझे लिपस्टिक तो काफ़ी बजट में थी अगर आप ढूंढ रहे हो अंडर हंड्रेड रुपीज़ में लिपस्टिक तो मैं जरूर रिकमेंड करूँगी आप ये वाले लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो फॉर्मूला भी अच्छा है मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है पर इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है तो अगर आपको ये मंगानी है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो so फ्रेंड्स वो तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे अभी मैंने कुछ ज्वेलरी भी परचेज़ की है अमेज़ॉन से जो हमें बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिलते हैं अमेज़ॉन पे ज्वेलरी के कलेक्शन भी बहुत अमेजिंग रहते हैं स्पेशली मैं तो ऑक्सरडाइज ज्वेलरी की फैन हूँ तो मैंने बहुत ही एक बढ़िया पीस मंगाया है नेक पीस आप देख सकते हो आई होप आपको अच्छा लगे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है तो मैं दिखा दूँ ये किस तरह का होने वाला है आप ये देख सकते हो काफ़ी ख़ूबसूरत है और ये मुझे अंडर फोर हंड्रेड रुपीज़ में मिला है मतलब थ्री फिफ्टी थ्री सिक्सटी का इसका कुछ प्राइस है अमेज़ॉन पे और आप इसका लुक देख सकते हो कितना बढ़िया है पहनने के बाद ये कितना ख़ूबसूरत दिखने वाला है तो आपको इसमें मतलब ऑक्सराइज है पूरा और इस पर पूरा मिरर का काम किया गया है और इसके नीचे जो झुमके लगे हैं इसका एक्स्ट्रा टचअप जो दे रहा है बहुत ही ज़्यादा इसके वजह से लुक काफ़ी अमेजिंग आ रहा है तो आप आराम से कोई भी कुर्ती या तो अपने वाइट कुर्ती ब्लैक कुर्ती पहनी है तो उस पर ये आराम से कैरी कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देगा तो अगर आपको इसमें और भी परचेज करने हैं तो आपको इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन में में कर दूंगी अमेज़ॉन पे इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऑक्सडाइड ज्वेलरी देखने मिल जाएगी आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगले प्रोडक्ट की और बढ़ते हैं ये मैंने मंगाया है जवेरी पल्स जवेरी पर्ल्स आई थिंक अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा सही होता है उनकी ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग रहती है और सबसे अच्छी बात है बजट फ्रेंडली होता है मतलब आप लुक देख सकोगे तो उसमें एकदम बुटीक स्टाइल आपको ज्वेलरी पीसेस देखने मिल जाते हैं पर बजट फ्रेंडली होते हैं तो ये वाला जो पीस मैंने मंगाया है अह ये पर्ल का है पर्ल नेकलेस सेट आप बोल सकते हो मैं आपको ओपन करके बता देती हूं कैसा दिखता है तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है आप देख सकते हो पूरा पर्ल और कुंदन का काम किया गया है तो इस तरह के सेट भी बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत दिखते हैं स्पेशली आप साड़ी या तो कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हो उस पर आप ये वेयर कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा इवन आप कुछ गाउन पहने हुए हो वाइट गाउन जिसके साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा लुक देगा तो ये भी अराउंड मैंने फोर के रुपीज़ के आसपास परचेस किया बहुत ही ब्यूटिफुल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इस तरह का आपको सेट चाहिए तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो आपको बहुत ही अच्छे जितने भी मैंने दिखाया, आपको डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स चेक कर सकते हो तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके जो भी कमेंट और सजेशन रहेगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय